हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल दोनों होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एसर की तरफ से आने वाली EK0 सीरीज के 24-inch मॉनिटर की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं और हमें इसे बाय करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मॉनिटर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया था। अब हम इसे ओपन करते हैं। आउटर पैकेजिंग हटाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे पास डिलीवर हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एसर की सील है, हम इसे ब्रेक करेंगे और साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसका मॉडल नंबर दिख जाता है EK240Y 24 इंच फुल HD। अब हम इसे ओपन करते हैं। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हमको इसका एक स्टैंड मिलता है, उसके अलावा हमें एक HDMI केबल मिलती है, एक एडाप्टर मिलता है, एक बॉटम स्टैंड मिलता है। आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है। मॉनिटर की डिस्प्ले हमको मैट फिनिश में दिखती है, उसकी वजह से इसमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको VGA पोर्ट, उसके बाद HDMI और फिर पावर पोर्ट दिखता है। उसके साइड में हमें एक मूवेबल बटन दिखता है जिससे हम इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को। उसके बाद हम अब इसमें स्टैंड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे अटैच करेंगे, उसके बाद फिर इसे मॉनिटर में अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अटैच हो चुका है। मैं आपको पुराना मॉनिटर दिखाता हूँ जो कि HP का है, 19 इंच का। आप इसकी बेजल्स भी देख सकते हैं कितनी बड़ी है और ये साइज में भी छोटा है। तो अब आप देखिए एसर का मॉनिटर लगाने के बाद आप देख सकते हैं डेस्क पे इसने मेरी कितनी जगह यूज करी है। उसके बाद आप इसकी डिस्प्ले सेटिंग में जाके इसकी रिफ्रेश रेट को 100 Hz कर सकते हैं। इस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट 100 Hz है। उसके बाद इसके कलर्स भी मुझे ब्राइट लगे। ये VA पैनल है, इस मॉनिटर के बेजल्स भी बहुत कम हैं, उसकी वजह से व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे आते हैं। और ये मॉनिटर मैंने 5700 में अमेजोन से ऑर्डर किया था ऑफर लगाने के बाद। नो डाउट ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है, आप इस मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। इस मॉनिटर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। अगर आप इस मॉनिटर का वॉल माउंट देखना चाहते हैं कि मैंने इसे वॉल में कैसे माउंट किया, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में जाके देख सकते। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।